गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। आज मैं एलकेजी का और यूकेजी का साथ में ये पहला वीडियो डाल रही हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि बच्चों के लिए ये जो 3-in-1 कॉपी होती है, 3-in-1 कॉपी का मतलब है कि जिसमें 2 लाइन्स की भी कॉपी हो, 4 लाइन की भी कॉपी हो और मैथ्स के लिए बॉक्स कॉपी भी हो, ये कॉपी बच्चों के लिए आप मंगा लीजिए। क्लियर? देन उसके बाद सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे बच्चों के, इंग्लिश से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं बच्चों को लिखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। तो ये रही हमारे लोगों की इंग्लिश की कॉपी। इस इंग्लिश की कॉपी में 4 लाइन्स है, 1, 2, 3 एंड 4। आप लोगों को बच्चों को बताना है कि बेटा ये 4 लाइन की कॉपी है और जिसमें आप लोगों को अधिकांश अक्षर ऊपर की 3 लाइन में लिखना है। यानी बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि ये 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन्स। क्लियर? अब इन लाइन के बाद सबसे पहले जो शुरुआत होती है बच्चों की, लाइन से शुरुआत होती है। तो लाइन 2 प्रकार की जैसे हो रही है, सबसे पहले जो लाइन हो रही है ये वर्टिकल लाइन, ये 3 लाइन में मैंने वर्टिकल लाइन खींचा है। आप लोगों को, बच्चों को पूरी कॉपी भर लाइन खींच करके देना है और बच्चों को 3 लाइन में ये वर्टिकल लाइन खींचने बोलना है और बच्चों को बताना है कि ये लाइन कौन सी है बेटा, वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन। क्लियर? कई बच्चे अभी तो पेंसिल पकड़ना भी नहीं सीखे होंगे, कई बच्चे आड़ा तिरछा करेंगे, उसके लिए हम लोग जो स्कूल में शुरुआत करते हैं तो बच्चों को डॉट से भी शुरू करते हैं कि एक डॉट यहाँ लगा दिया, एक डॉट यहाँ लगा दिया और बच्चों को बोलते हैं कि बेटा इसको मिलाओ। बच्चे शुरुआत में आड़ा तिरछा मिलाते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे ये पूरे पेज भर प्रैक्टिस होती है तब बच्चे इन लाइन्स में शुरू कर सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन 3 लाइन में उन लोग खींचना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। ये काम बच्चों को बार बार प्रैक्टिस में देना पड़ता है। यही काम करने के लिए स्कूल में हम लोगों को 8 से 10 दिन के ऊपर, जो बच्चे थोड़े से अवेयर रहते हैं, जिनके पेरेंट्स अवेयर रहते हैं, जो बराबर प्रैक्टिस कराते हैं, तो वो बच्चे लाइन पर आ जाते हैं। जब तक ये बच्चों को 3 लाइन नहीं समझेगी तब तक बच्चे आगे का काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं पेरेंट्स से बार बार अनुरोध कर रही हूं कि बच्चों को ये वीडियो देख करके आप अपने सामने बैठा लें, थोड़ा सा समय निकालें और बच्चों को ये वर्टिकल लाइन, और नाम भी जरूर बताइए बच्चों को। बच्चे पूरा प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चों को बताना है कि बेटा ये आप कौन सी लाइन खींच रहे हैं, तो ये वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं। यहां तक मैं समझ पा रही हूं कि पेरेंट्स समझ गए होंगे कि बच्चों को सबसे पहले शुरुआत करना है। ये तो सिर्फ मैंने एक लाइन में आपको करके बताया है, बच्चों को पूरी लाइन खींच करके उनको वर्टिकल लाइन शुरू करना है। क्लियर? आप ये मान के चलिए कि बच्चों को ये काम करने के लिए 3 से 4 दिन अगर आप रोज प्रैक्टिस करा रहे हैं, 1 पेज 2 पेज, अगर बच्चे जितनी कैपेसिटी होती है, जितना आप लोग समय दे सकते हैं, जब तक बच्चा लाइन सीधी खींचना ना सीखे, ये 3 लाइन में बच्चा लाइन सीधी खींचना ना सीखे, तब तक आप आगे मत बढ़िए। क्योंकि हमें ये लगता है कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, जल्दी से काम करना है, बच्चों को जल्दी सिखाना है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, आड़ी तिरछी भी लाइन है, तो उसमें बच्चों के अक्षर कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे। अगर एक बार ये बच्चे लाइन सीधी करना सीख गए तो बच्चों के अक्षर में तुरंत सुधार आता है, आगे बच्चों के अक्षरों को देखना नहीं होता है। क्लियर? तो ये हो गई बच्चों की वर्टिकल लाइन। अब उसके बाद हम लोगों को, बच्चों को दूसरी जो लाइन सिखाना है वो लाइन सिखाना है होरिजोनटल लाइन। ये आड़ी लाइन जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है होरिजोनटल लाइन। कौन सी लाइन कहा जाता है? होरिजोनटल लाइन। बच्चों को जब वर्टिकल लाइन बच्चे सीख जाए, देन उसके बाद बच्चों को ये होरिजोनटल लाइन सिखाना है। होरिजोनटल लाइन भी आपकी ये जो 3 लाइन है, 3 लाइन की जो बीच की लाइन है, उसमें आपको बच्चों को होरिजोनटल लाइन सिखाना है। बच्चों को नाम जरूर बताएं, क्योंकि जब बच्चों से हम लोग बार बार बोलते हैं, वही वही चीज रिपीट करते हैं, तो बच्चों का दिमाग बहुत शार्प होता है, बच्चे बराबर उस चीज को समझते हैं। फिर आपने कई बार बच्चे सीधी लाइन नहीं खींचते, ऊपर की लाइन में खींचेंगे, नीचे की लाइन में खींचेंगे, तो ये बच्चों को उसको ओके नहीं करना है।
बच्चों को बीच की ही लाइन में होरिजोंटल लाइन बनाना सिखाना है। इसके लिए भी टीचर्स लोग बच्चों को डॉट दे करके सिखाना शुरू करते हैं। कई बार बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए मम्मी पापा लोगों को या टीचर्स लोगों को हाथ पकड़ के भी लिखाना पड़ता है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को भी वो हाथ पकड़ के बच्चों को लिखाना पड़े, बच्चों को लाइन खींचना सिखाना पड़े। इसमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बच्चे सीखते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, इसीलिए आप लोग भी नर्वस न होए। जितनी प्रैक्टिस बच्चे करेंगे उतना बच्चा आपका सीखेगा। ये लाइन को भी बच्चों को पूरे पेज भर आप लोग लाइन खींच लीजिए और पूरे पेज भर बच्चों को ये होरिजोंटल लाइन सिखाना है। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया? तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि बच्चों को वर्टिकल लाइन सिखाना है, ये फोर लाइन में, उसमें से तीन लाइन में वर्टिकल लाइन होगा। देन सेकेंड, उनको होरिजोंटल लाइन, जो बीच की लाइन होगी उसमें आपको होरिजोंटल लाइन बनाना सिखाना होगा। क्लियर। अब थर्ड लाइन जो आती है वो आती है स्लैंटिंग लाइन। कौन सी लाइन? स्लैंटिंग। स्लैंटिंग का मतलब होता है तिरछी। क्लियर। आप लोगों को बच्चों को थर्ड जो लाइन बताना है वो बताना है स्लैंटिंग लाइन। बच्चों को बार बार नाम बोलना है स्लैंटिंग लाइन। अब स्लैंटिंग लाइन का मतलब होता है कि ये जो तिरछी लाइन हम लोग खींच रहे हैं। अब अगले पेज में जब बच्चे प्रैक्टिस करेगा तो ये प्रैक्टिस करेगा स्लैंटिंग लाइन की। इसके लिए भी अगर बच्चा सीधा नहीं करता है तो इसको डॉट बना करके, सबसे पहले शुरुआत हम लोग वही करते हैं कि बच्चों को डॉट बना के देते हैं और बोलते हैं बेटा यहां से यहां तक की लाइन मिलाओ। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बच्चा वहां से वहां लाइन मिलाए बच्चों के, क्योंकि हाथ में इतना कई बार बच्चों की कैपेसिटी नहीं होती है या बच्चों की ग्रिप नहीं बनती है छोटे बच्चों की, तो उसमें एक भी बिल्कुल बच्चों से नाराजगी नहीं देना है, क्योंकि कई बार कई बच्चों की ग्रिप नहीं बनती है पेंसिल पकड़ने की, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बच्चे पेंसिल पकड़ना चाहते हैं लेकिन बच्चों की पेंसिल सीधी नहीं चलती है, तो उसमें पेशेंस रखना होगा और बच्चों को आपको ये स्लैंटिंग लाइन सिखाना होगा। तो ये तीनों लाइन अगर एक बार बच्चा सीख जाता है तब हम लोग इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर शुरू करते हैं। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आया? मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर रही हूं। ये मैंने 3-in-1 की कॉपी लिया है। 3-in-1 की कॉपी का मतलब ये होता है कि जिसमें हिंदी के भी 2 lines की कॉपी हो, इंग्लिश की भी 4 lines की कॉपी हो और मैथ्स के लिए भी बॉक्स कॉपी हो। जब हम लोग सबसे पहले शुरुआत इंग्लिश से शुरू करते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट ABCD से शुरू करने से पहले बच्चों को ये लाइन सिखाते हैं। लाइन इसलिए सिखाते हैं ताकि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमको ये 3 lines में ही लिखना है। उस 3 lines के लिए बच्चों को सबसे पहले हम लोग ये वर्टिकल लाइन सिखाते हैं। बच्चों को बार बार बोलने देना कि बेटा कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन है बेटा, ये वर्टिकल लाइन। बच्चे पहले प्रॉपर प्रोनाउन नहीं करते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन करना शुरू करते हैं। क्लियर। तो बच्चों को 1 page, 2 page, 4 page, 10 page, कितने भी पेज हो, बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करा करके सीधी वर्टिकल लाइन। एक बार अगर बच्चा वर्टिकल लाइन सीधी सीख गया तो बच्चों के अक्षर में बिल्कुल आप लोग देखेंगे कि एकदम चेंज आएगा। और अगर आपने वर्टिकल लाइन की हड़बड़ी करके फिर होरिजेंटल लाइन पर पहुंच गया, वर्टिकल लाइन सीधी नहीं खींचा है, तो बच्चे के अक्षर में फर्क पड़ेंगे। मैं बार बार पेरेंट्स से इसीलिए अनुरोध कर रही हूं कि बच्चों को हड़बड़ी, ये तो मैं आप लोगों को तीनों लाइन एक साथ सिखा दी। बच्चों को जब स्कूल में सिखाया जाता है तो वर्टिकल लाइन के लिए हमको 10-15 days लग जाते हैं कि बेटा वर्टिकल लाइन बनाना है, वर्टिकल लाइन बनाना है, वर्टिकल लाइन बनाना है करके। क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए ये वीडियोस बन रहे हैं ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों से काम करवाएं। तो सबसे पहले बच्चों को वर्टिकल लाइन, देन होरिजोंटल लाइन एंड थर्ड है आप लोगों की स्लैंटिंग लाइन। ये तीनों लाइन आपको बताना है। आगे यहां तक है। अब इसके बाद हम आगे का काम शुरू करेंगे। ये तो मैंने इंग्लिश का काम बताया। अब मैं अगर हिंदी का काम शुरू करूं तो ये हिंदी की 2 lines की कॉपी है। 2 lines में बच्चों को अक्षर, यानी हिंदी के अक्षर बनाना बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है। हिंदी में अ से आ तक लिखाने का काम बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि बच्चों के हिंदी में हिंदी के जो कर्व होते हैं बच्चों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चों को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसमें भी बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हिंदी में बच्चों को हमको अ से आ तक लिखाने की प्रैक्टिस नहीं करवाना है, बल्कि बच्चों को ये जो 2 lines है 1 and 2, इस लाइन से आपको ऐसा गोला बनाना सिखाना है। क्लियर।
ये आपको ऐसा गोला बनाना सिखाना है, ये आपको प्रैक्टिस पूरी पेज भर बच्चों को करवाना है। जैसे कोई और, जैसे हम लोग बच्चों को समझा रहे तो बेटा चंद्रमा होता है, या ये जो भी सी बन रहा है तो उल्टा सी बन रहा है, या जो भी चीज आपको समझा करके इसको सिखाना है, तो बच्चों को ये इस प्रकार से गोला बनाना सिखाना है। आधा चंद्रमा जैसे जिसको हम लोग बच्चों को बताते कि बेटा ऐसा बनाना है, ये काम करने के लिए बच्चों को, क्योंकि कई बार बच्चे ऊपर लिखेंगे, कई बार बच्चे बीच में लिखेंगे, कई बार यानी बच्चे कुछ भी कर सकते, लेकिन इसीलिए पेरेंट्स को उनके साथ बैठना बहुत जरूरी होगा। अगर पेरेंट्स ने सोचा कि हमने लाइन खींच दिया बच्चे बना लेंगे, तो बच्चे वैसा नहीं बनाते, बच्चों के साथ बैठ करके, और बच्चों को ज्यादा इरेजर का भी उपयोग नहीं करने देना है, क्योंकि इरेजर का उपयोग करेंगे बच्चों को उतना समझता नहीं, बच्चे कॉपी फाड़ते हैं, वो चलेगा, वो कॉपी की फाड़ने की भी प्रोसेस अभी चलेगी, क्योंकि बच्चे मिटाएंगे कि गलत बन गए, या हमने उनको बोला कि गलत बनाया है बेटा आपने, तो वो मिटाने की कोशिश करते हैं और बच्चे कॉपी फाड़ते हैं, तो उसमें भी नाराजगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ये सब का हरकतें अभी शुरुआती दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को हिंदी में इस प्रकार से सिखाना है। पेरेंट्स से मैं बार बार अनुरोध कर रही हूं कि ये एक दिन का काम बिल्कुल नहीं है, बच्चे एक दिन में एक ही लाइन सीख ले ये बहुत बड़ी बात है, एक ही लाइन की प्रैक्टिस कर ले ये बहुत बड़ी बात है, ये पेरेंट्स का काम होगा कि वो धीरे धीरे बच्चों को एक एक चीज सिखाए। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आया? देन उसके बाद ये हिंदी का काम हो गया। अब इसके बाद हमारी अगर मैथ्स का काम हम लोग देखें, तो ये बॉक्स कॉपी है हमारी, बॉक्स कॉपी में ये बॉक्स बने हुए हैं जिसमें हम लोगों को आगे चल करके 1 से 100 तक बच्चों को लिखना सिखाना है। क्लास एलकेजी के बच्चे हैं तो उनको 1 से 50 तक के, और अगर जब बच्चे 50 से सीख जाते हैं तो फिर 51 से 100 तक के भी सिखाया जाता है, बच्चों के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कहाँ तक सीखना है। सेम यूकेजी के बच्चों के लिए भी ये शुरुआत है कि बच्चों को सबसे पहले कि बॉक्स कॉपी में कैसे लिखना है वो बताना है। बॉक्स कॉपी में लिखने के लिए बच्चों को हम ऊपर लाइन से लेकर के नीचे लाइन तक इसको मिलाना है। क्लियर, आपको जो बच्चों को बॉक्स कॉपी में, जनरली हम लोग बच्चों को, क्योंकि ये बास पास हो जाता है, तो बच्चों को एक एक डब्बा छोड़ करके लिखाना सिखाते हैं कि एक एक डब्बा छोड़ करके बच्चे इस लाइन से इस लाइन तक मिलाए, इस लाइन से इस लाइन तक मिलाए, ताकि बच्चों की कॉपी भी सुंदर बनी रहे, बच्चे उसमें, बच्चों को बॉक्स भी छोड़ना नहीं समझता है, बच्चों को बॉक्स छोड़ना भी बताना पड़ता है कि बेटा ये बॉक्स छोड़ो, फिर आप अगले बॉक्स में बनाओ, फिर एक बॉक्स छोड़ो, फिर अगले बॉक्स में बनाओ, यानी ये बहुत पेशेंस का काम होता है, क्योंकि अभी तो बच्चा पेंसिल भी पकड़ना नहीं सीखा होता, जो एलकेजी के बच्चे होते हैं या जिन बच्चों ने अभी डायरेक्ट यूकेजी में चले गए हैं वो बच्चों को। लेकिन मैं ये जो चीज आपको बता रही हूँ, ये चीज आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ कि ताकि आगे चल करके बच्चों के अक्षर में आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने स्पीड अप करने के लिए कि नहीं ये तो क्या बता रहे हैं, 1 से 100 तक लिखना है या 1 से 10 तक लिखना है, तो गड़बड़ी अवश्य होगी, क्योंकि बच्चों को लाइन पर लिखना ही नहीं आता है। तो सबसे पहले बच्चों को ये लाइन का ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए इनको बच्चों को ये पूरा 1 से पूरा इनको इस प्रकार से सिखाना है, ये पूरा इनको बॉक्स बनना, एक एक बॉक्स छोड़ करके लिखना सिखाना है। क्लियर, इतना अगर बच्चों को, ये बच्चों के लिए समझ लीजिए 10 दिन का काम हो गया है, ये पेरेंट्स के लिए 10 दिन की प्रैक्टिस हो गई है। ये तो मैं आप लोगों को एक वीडियो में बना रही हूँ, क्योंकि बच्चा एक पेज आधा पेज लिखने के बाद, क्योंकि उनकी हैबिट नहीं होती है तो बच्चे समझ नहीं पाते, बच्चे लिख नहीं पाते, बच्चे बोर हो जाते हैं। कई बार तो बच्चे बोलते बस मम यही स्पीड करेगी, पेरेंट्स भी बोर हो जाते कि मैडम यही चीज लिखा रही है, लेकिन जब तक बच्चे लाइन पर नहीं आएंगे बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना है। मेरे पेरेंट्स से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना है, पहले उनकी लाइन क्लियर हो जाए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं ये पहला वीडियो यहीं खत्म कर रही हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी बच्चों को इसी प्रकार से सिखाएं। इसके अलावा अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज आपको मैंने पूछना है, तो मेरा नंबर आप लोगों के पास दिया हुआ है, आप लोग मुझे फोन करके बात कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं बराबर आपको उसका जवाब दूंगी। क्लियर, तो चलिए आज यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।